जब हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं एक दूसरे का पूरक होना। क्या होना? एक भाग दूसरे भाग को पूरा करता, तो वो दोनों भाग एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। शियर फोर्स वाली बात तो बाद में बात करेंगे, पहले तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं कैसे है, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? पूरकता। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? पूरक होना। पूरक मतलब पूरा करना किसी चीज का, राइट? अच्छा, तो जब हम शियर स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का क्या तात्पर्य है, कैसे हम इसे समझते हैं, इसे देखिए। मान के चलिए आपके पास कोई एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब क्यूबिकल ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है ये? क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल मतलब घन आकार का ब्लॉक है। आपने इसके इस सतह पर एक बल आरोपित किया, ये कौन सा बल है? स्पर्शीय बल है। कैसा बल है? क्योंकि ये स्पर्श करता हुआ लग रहा है सतह पर। दो तरह के बल बताए थे हमने आपको, एक अभिलंब बल जो सतह की लंबवत कार्य करता है, और दूसरा स्पर्शीय बल जो स्पर्श करते हुए लगता है। तो जब ये स्पर्शीय बल है तो इस स्पर्शीय बल के कारण इस पर एक शियर स्ट्रेस उत्पन्न हुई जिसका नाम टाउ है। क्या है? ठीक। ऊपर की सतह पर हमने ए बी सतह पर एक स्पर्शीय बल आरोपित किया एफ, जिसके कारण इस ब्लॉक के अंदर टाउ शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, राइट? यदि साम्यावस्था की स्थिति देखें तो एक बल इधर कार्य कर रहा है, तो इस बल को साम्य करने के लिए दूसरा बल नीचे की दिशा में कार्य करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो अब हम कह सकते हैं कि अभी हमारी वस्तु साम्यावस्था में है। किस अवस्था में है? साम्यावस्था में। लेकिन इन दोनों बलों के बीच में कुछ दूरी है, अर्थात ये दोनों बल साम्यावस्था में तो हैं, लेकिन यह वस्तु साम्यावस्था में नहीं है। क्यों? क्योंकि तो ये दोनों बल मिलकर के इस वस्तु को क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयत्न करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसे क्लॉकवाइज घुमाने का ये जो बल प्रयत्न कर रहे हैं, ये इसको साम्यावस्था में रखने के लिए, अर्थात वस्तु साम्यावस्था में रहने का प्रयास करेगी, तो इनकी इन सतहों पर, इस बीसी सतह पर और एडी सतह पर एक विपरीत दिशा में बल युग्मल कार्य करेगा। क्या करेगा? समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही? तो जिसके कारण इन सतहों पर जहां पर हमने बल आरोपित नहीं किया है वहां पर भी शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगी। मान के चलो ये शियर स्ट्रेस यदि एक्स दिशा में है तो ये शियर स्ट्रेस वाई दिशा में है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आरोपित यह किया गया लेकिन वस्तु साम्यावस्था में है या रहने का प्रयास करती है, जिसके कारण उसके लंबवत सतह पर, जिस सतह पर हमने बल आरोपित किया उसके लंबवत सतह पर एक प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, एक स्पर्शीय प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि ये नहीं होगा तो इसका भी कोई वजूद नहीं होगा। ये दोनों जब भी रहेंगे ये दोनों साथ साथ रहेंगे। क्या होंगे? साथ साथ होंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है बात? बताओ। तो जब भी कोई भी वस्तु प्योर शीयर में रहे, ठीक है, प्योर स्पर्शीय प्रतिबल जिस पर कार्य कर रहा हो, तो वहां पर
एक एक्टिव शियर स्ट्रेस होता है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट ठीक है आरोपित बल है, इसके लंबवत तल पर हमेशा आरोपित रहेगा। इनके बीच में कितने डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये टाउ एक्स और टाउ वाई का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है, अर्थात जो टाउ एक्स है वो किसके बराबर होता है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, यह बात सिद्ध की जा सकती है। सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा बस तरीका है कि यदि हम साम्यावस्था की स्थिति की हम बात करें, तो साम्यावस्था में इसके द्वारा बनाया गया बल युग्म अर्थात आघूर्ण इनके द्वारा लगाए गए आघूर्ण के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो इनके द्वारा आघूर्ण कितना है, एफ एक्स इंटू एडी बाई बल इंटू बल द्वारा लंबवत दूरी, इनके द्वारा क्या होगा, एफ वाई इंटू डीसी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है। अच्छा अब मुझे ये मान के चलो तुम्हें एक फलक बना दिए जाए और इसकी जो गहराई है वो मान के चलो एक है, कितनी है एक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी गुणा एक हो जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी सी गुणा एक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ देख लो आराम से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात। अच्छा यहां पर जो ए डी है वो किसके बराबर है और जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो चलो अब यहां पर ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ये आघूर्ण आपस में बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन डी सी इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन ए डी, और ये एफ एक्स बटा डी सी, डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये किसके बराबर है, डी सी। एक का गुणा इधर कर दो और एक का गुणा इधर कर दो, कोई फर्क कोई फर्क नहीं है। ये क्या बन गया बेटा, क्षेत्रफल इसका, ये क्या बन गया इसका क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल, शियर स्ट्रेस बल बटा क्षेत्रफल। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कब उत्पन्न हो रही है, जब हमारा जो पदार्थ है वो साम्यावस्था में, किसमें है, साम्यावस्था में। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिख लो पहले, नोट कर लो, पहले डेफिनेशन नोट करो मैं बोल रहा हूं और उसके बाद ये सारी चीजें नोट करना। लिखो, व्हेन अ मटेरियल, लिखो व्हेन अ मटेरियल इज इन प्योर सीयर कंडीशन, इज इन प्योर सीयर, प्योर सीयर का मतलब क्या है, यहां पर हमने केवल स्पर्शीय बल ही आरोपित किया है, अभिलंब बल आरोपित तो ये केवल किसमें है, स्पर्शीय बल के अंतर्गत है, ठीक है। इज इन प्योर सीयर कंडीशन देन कंडीशन देन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन देन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन साम्यावस्था की दशा में है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड एट परपेंडिकुलर प्लेन्स,
परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये लंबवत तलों पर, जैसे ये तल और ये तल एक दूसरे के कैसे हैं, ये लंबवत हैं, तो एट परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखो एट दोज प्लेन्स, दूसरी लाइन में लिखो परपेंडिकुलर प्लेन्स काट दो, एट दोज प्लेन्स, एट दोज प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू पेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आई, तो इसे यदि हिंदी में लिखेंगे तो इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, जब कोई पदार्थ, नोट करना चाहो हिंदी में लिख दो, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ साम्यावस्था की दशा में, जब कोई पदार्थ लिखोगे ऐसे लिखो, जब किसी पदार्थ पर, जब किसी पदार्थ पर, कोई नहीं, जब किसी पदार्थ पर साम्यावस्था की दशा में केवल और केवल स्पर्शीय बल आरोपित किया जाए, केवल और केवल, अर्थात हम उसके अलावा कोई और बल आरोपित नहीं कर रहे हैं, इस केवल और केवल स्पर्शीय बल आरोपित किए जाए, तब उनके फल, तब उस पदार्थ के तलों पर कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है तथा ये तल परस्पर लंबवत होते हैं, होता है जो कि परस्पर समान होते हैं, कैसे होते हैं ये, परस्पर कैसे होते हैं ये, समान होते हैं, तथा तल आपस में लंबवत होते हैं।